हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML की और प्लस CSS की। देखिए HTML के थ्रू आप रेडियो बटन तो बना सकते हैं, लेकिन छोटा रेडियो बटन बनेगा। रेडियो बटन की साइज इंक्रीज करनी हो, कैसे इंक्रीज करेंगे, आज के इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए नोट पैड को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले मैं नोट पैड टाइप करूंगा, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ विंडोज 11, तो मुझे यहाँ पर स्टार्ट बटन मिलता है। अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर मिलेगा। तो फिलहाल यहाँ पर ये ओपन हो गया है नोट पैड। ठीक है, सबसे पहले HTML से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं HTML, फिर यहाँ पे हेड, फिर यहाँ पर टाइटल TITLE, तो टाइटल में लिख देता हूँ क्रिएटिंग बिग रेडियो बटन, बिग रेडियो बटन, ये हो गया। इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे टाइटल को, तो ये टाइटल क्लोज हो गया। अब यहाँ पे स्टाइल टैग का यूज करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि तो हमने बताया था आपको अभी कि यहाँ पे CSS यूज करेंगे, तो ये लीजिए ये यूज हो रहा है। अब यहाँ पे एक इनपुट लगाएंगे, INPUT, इस तरीके से लिख देना है आपको इनपुट। और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करिएगा, आपको क्या ओपन करना है, स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करिएगा। और यहाँ पे टाइप क्या रहेगा इनपुट का, तो यहाँ पे ये रेडियो टाइप का होगा, आर ये इस तरीके से रेडियो लिख दीजिएगा। जैसे रेडियो लिख देते हैं तो अब इसको बंद करने की बारी है, तो इसको बंद भी कर दीजिए। और बंद करने के बाद कर्ली ब्रेसेस को कर दीजिए ओपन। जैसे कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है तो अब इसको ट्रांसफॉर्म करवाना है। ट्रांसफॉर्म यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्म की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। और ये ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद यहाँ पे कॉलन लगाइएगा और फिर यहाँ पे स्केल दे दीजिए। जितना बड़ा आप रेडियो बटन चाहते हैं उतनी बड़ी स्केल दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 3 कर देते हैं, 3। ठीक है, तो ये 3 कर दिया हमने। और 3 करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको टर्मिनेशन देना है। ये देखिए यहाँ पे कॉलन मैंने लगाया था, आपको टर्मिनेशन यानी सेमी कॉलन देना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अब इस कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दीजिए, देन एंटर करके नीचे आइए। और अब स्टाइल टैग को भी करना है क्लोज, तो ये स्टाइल टैग को भी क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आपकी कोडिंग आसान हो गई है। यहाँ पर हेड टैग को भी क्लोज कर दीजिए। ठीक है, कोडिंग आसान हो गई। यहाँ से वापस HTML वाली ही कोडिंग आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पे सेलेक्ट S2 ले लेते हैं, S2 हेडिंग लेवल 2 ले लेते हैं। यहाँ पे लिखता हूँ सेलेक्ट वन कलर, इस तरीके से वन कलर, तो ये सेलेक्ट वन कलर लिखा है हमने। और यहाँ पे S2 को क्लोज करता हूँ और क्लोज करके एंटर करके नीचे आते हैं। यहाँ पे लेबल लगाएंगे, लेबल टैग। ठीक है, तो ये लेबल लगा दिया। और लेबल क्या करेंगे, लेबल फॉर किसके लिए लगाएंगे, तो लेबल फॉर लिखा हमने इज इक्वल टू, यहाँ पे दे देते हैं रेड, RED रेड। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करते हैं, रेडियो, रेड रेडियो, ये कर्ली ब्रेसेस रेडियो लिखने, ये रेड रेडियो लिख दिया हमने। और जैसे ही रेड रेडियो लिखेंगे तो इसको क्लोज करना है, और यहाँ पे रेड कलर चूंकि आएगा तो ये रेड कर देते हैं, यहाँ पे रेड रखते हैं। ठीक है, और यहाँ से चलते हैं, इसको क्लोज करते हैं लेबल को, LABEL लेबल, लेबल को क्लोज कर दिया। एंटर करके नीचे आइए, जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे इनपुट टाइप टैग लगाएंगे। इनपुट टाइप का तो यूज कई बार सिखा चुका हूँ, तो ये हो गया इनपुट टाइप इज इक्वल टू RADIO रेडियो। ठीक है, RADIO रेडियो दे दिया। फिर यहाँ पे ID देंगे, ID, तो ID इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देंगे, रेड कर देंगे, रेड रेडियो। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेड रेडियो, क्योंकि रेड वाला है तो रेड रेडियो, RADIO रेड रेडियो कर दिया हमने। और ये रेड रेडियो करने के बाद इसको क्लोज कर देना इस तरीके से, जो कर्ली ब्रेसेस को डबल इंटेड कोट्स को ओपन किया था उसको क्लोज करना है। और नेम इज इक्वल टू कलर करना है, यहाँ पे लिखेंगे नेम NAME, नेम इज इक्वल टू कलर COLOR, जो लिखेंगे, देखिए कलर यहाँ पे क्या दिया है, कलर दिया है, तो कलर लिखेंगे जो यहाँ पे देंगे वही चीज हर बार देते आप चले जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू कलर्स कर देते हैं, कलर। ठीक है, तो जैसे लिखा है हर बार आपको यही फॉर्मेट रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे नेम तो हमने दे दिया, आप वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू इज इक्वल टू RED रेड। ठीक है, ये दे दिया। अब इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए, ये ऐसे क्लोज हो जाएगा। और देन अब सेकेंड वाले के लिए फिर स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे अब इसको सेलेक्ट करेंगे वापिस से, इतना ही पार्ट आपको सेलेक्ट करना है। अब देखिए काम आसान हो गया यहाँ से, यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे रेड रेडियो दिया हुआ है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रीन रेडियो करते हैं, GREEN ग्रीन रेडियो। और यहाँ पे ग्रीन कलर क्या रहेगा, ग्रीन रहेगा, GREEN, ये हो गया ग्रीन। और यहाँ पे इनपुट टाइप ये रेड रेडियो जो है ये ग्रीन रेडियो में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ पे GREEN ग्रीन रेडियो हो जाएगा। यहाँ पे
वैल्यू में दे देंगे ग्रीन, ठीक है। तो जैसे मैं देता जा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही, और रेडियो बटन की साइज बिल्कुल आप इंक्रीज कर पाएंगे, पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा, एकदम इंक्रीज हो जाएगी रेडियो बटन की साइज, ठीक है। अब यहां पे लास्ट में बात करेंगे ब्लू की, ठीक है। तो यहां पे ब्लू रेडियो बटन बन जाएगा, ठीक है। यहां पे कलर ब्लू कर देते हैं ऐसे, ठीक है, BLUE ब्लू। और यहां पर देख सकते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, रेड रेडियो दिया हुआ है, यहां पे ब्लू रेडियो कर देते हैं, ये ब्लू BLUE ब्लू रेडियो, ठीक है। और यहां पे ब्लू कर देते हैं, बस यहां तक। अब हमारा काम एकदम आसान हो गया, देखिए यहां पर अगर ब्लू कर दिया हमने, अब एकदम से काम आसान हो गया हमारा। अब करना क्या है, अब सीधा आपको जाना है नीचे, बॉडी को क्लोज करना है, HTML को क्लोज करना है, काम खत्म, आपका बड़ा सा रेडियो बटन बन करके तैयार, ठीक है। आई होप कि आपको बात ये समझ में आई होगी। अब इसको सेव करने की जरूरत है, Ctrl+S करिए, इसको डेस्कटॉप पे मैं सेव करके दिखाता हूँ, ठीक है। बिग के नाम से सेव करता हूँ, big.stm या .html भी लगा सकते हैं आप, मैं .stm के नाम से सेव कर रहा हूँ, ये ब्राउजर के फाइल की एक्सटेंशन होती है, ठीक है। ये सेव कर लिया, आप चलते हैं यहां पर कहीं आएगा हमारा, ये देखिए ये आ गया, डबल क्लिक करें तो ये देखिए ये कितना बड़ा साइज, देखिए कितनी बड़ी हो गई है रेडियो बटन की, देख सकते हैं यहाँ पे ये रेडियो बटन की साइज काफी बड़ी हो चुकी है। अगर और छोटा चाहते हैं तो यहाँ पे स्केल आप चेंज कर दीजिए, जैसे यहाँ पे स्केल हमने 3 दिया था, आप 2 कर देंगे तो और थोड़ा छोटा हो जाएगा ये। तो ये देखिए आप इसको सेव किया और यहां से चलते हैं और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, तो देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे तीनों कलर आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये तीनों कलर शो हो रहे हैं, ठीक है। और साइज जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है, आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।